बढ़ती कीमतों से नाराज कांग्रेसियों का उपवास, पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी तो कांग्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साबाजी भी है क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। बागपत के बड़ौद में कांग्रेसियों ने एक दिन का उपवास रखकर विरोध जताया और उससे पहले बाजारों में जुलूस भी निकाला। कांग्रेसियों ने कहा कि तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार ने कुछ नहीं किया, आम आदमी परेशान है और तेल डीजल के बढ़ते दाम चिंता और बढ़ा रहे हैं। कांग्रेसियों ने सरकार से मांग की है कि डीजल और तेल के दाम कम किए जाएं। किस वजह से मैं शहर अध्यक्ष हूँ, राकेश शर्मा नाम है मेरा। आज हमारा विरोध प्रदर्शन इसलिए है, आज पूरे प्रदेश में देश में जो मूल वृद्धि डीजल पेट्रोल तेल में हो रही है यह असहनीय है। इससे आम जनता, मजदूर, किसान, व्यापारी सभी परेशान हैं, आम जन परेशान है। तो हम ये मुद्दा जनहित में उठा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। हर तरह से, हर मामले में लड़ाई लड़ने में हम तैयार हैं। हम रोड पर उतरना चाहते हैं इस मामले में। मेरा नाम डॉक्टर यूनुस चौधरी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बागपत जनपद का, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मेरे शहर अध्यक्ष हैं राकेश शर्मा जी, और साथ में हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उपाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे सतपाल पथवालिया जी हैं और हरिंदर वकील जी हैं। क्या प्रोग्राम आज किसी आज प्रदर्शन हो रहा है? आज जो ये प्रोग्राम है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। डीजल के और पेट्रोल के दाम जिस तरह से रोज़ाना दिन पे दिन बेहताशा बढ़ते जा रहे हैं, और आज़ादी के बाद शायद ही पहला मौका ऐसा है कि डीजल ने पेट्रोल को भी पार कर दिया। तो जैसी इनकी ये नीति है सरकार की, और ये तेलों के दाम, पेट्रोल पदार्थों के दाम बुरी तरह बढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको इनका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार चुप बैठी हुई है, और इसका जो भुगतना पड़ रहा है, आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, किसान को भुगतना पड़ रहा है। इस बढ़ते हुए दामों के खिलाफ हम आज कांग्रेस पार्टी बागपत जनपद और शहर कांग्रेस कमेटी सारे इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए, वरना हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र होकर सरकार के खिलाफ हम जंग शुरू करेंगे।